तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। आज जो मूवी मैं आपके लेकर आया हूँ, इस मूवी का नाम है द कॉफी टेबल। ये मूवी एक थ्रिलर डिस्टर्बिंग मूवी है, जो कि है तो बहुत ही सिंपल ही, लेकिन जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तो आखिर क्या इस मूवी में, वो तो वीडियो में ही पता चलेगा। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मारिया नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी से, जो कि बहुत ही दर्द में थी और घंटों तक लेबर पेन होने के बाद में वो एक बेबी बॉय को जन्म देती है। अपने बेबी बॉय को पहली बार अपने हाथ में लेकर वो बहुत ही खुश थी। मारिया की एज लगभग 50 साल के ऊपर थी और बहुत सालों की कोशिश और डॉक्टर के ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये बेबी उन्हें मिला था, तो इसीलिए मारिया थोड़ी ज़्यादा ही अपने बच्चे से अटैच्ड थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद में मारिया और उसके बेबी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बेबी के आने से मारिया इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कुछ मंथ पहले से ही उसने अपने घर को रिनोवेट करवाना शुरू कर दिया था और नए फर्नीचर भी वो ले आई थी और उसका बेबी रूम भी पूरा हो चुका था। मारिया के घर के सारे डिसीजन मारिया ही लिया करती थी, घर की सारी चीज़ें भी मारिया की पसंद की थी। वो अपने डिसीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। उसने बस अपने हस्बैंड जीसस को एक कॉफी टेबल चूज करने की परमिशन दी थी, तो इसलिए हॉस्पिटल से सीधा वेल्प फर्नीचर के शॉप पर आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक कॉफी टेबल खरीदना था। उस शॉप पर उन्हें एक सेल्समैन मिलता है जो कि उन्हें एक कॉफ़ी टेबल दिखाता है। वो कॉफ़ी टेबल बहुत ही यूनिक थी। उस टेबल में दो लेडी की स्टैचू थी जो कि ग्लास को उठा रही थी। सेल्समैन उनसे उस टेबल की तारीफ करने लगता है कि इस कॉफ़ी टेबल का डिज़ाइन स्वीडिश है और इसे चाइना में बनाया गया है। कॉफ़ी टेबल का ग्लास अनब्रेकेबल है और उन लेडीज़ की मूर्तियों को नकली गोल्ड से पेंट किया गया है। ये टेबल बहुत ही महंगा था, तो इसलिए इसके कुछ लिमिटेड स्टॉक ही बचे हुए थे। साथ ही सेल्समैन उनसे ये भी बोलता है कि ये कॉफ़ी टेबल उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगा। ये बात मारिया को थोड़ी अजीब लगती है कि भला एक कॉफ़ी टेबल उनकी लाइफ में कैसे हैप्पीनेस ला सकती है। वो ये कॉफ़ी टेबल खरीदने के बिल्कुल खिलाफ थी। ये टेबल उसके किसी भी डिज़ाइन और कलर के साथ में मैच नहीं करेगा, लेकिन जो भी हो, जीसस को तो यही कॉफ़ी टेबल चाहिए थी और इस टेबल के डिज़ाइन ने उसको पहले इम्प्रेस कर दिया था। इसी बात पर दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होने लगता है और तब जीसस मारिया को कहता है कि उनकी लाइफ के सभी डिसीजन मारिया ही लेती है। उनकी शादी, शादी का वेन्यू, शादी में उसके और उसके पेरेंट की ड्रेस, उनके घर का डिज़ाइन, उनके बच्चे का नाम, यहाँ तक कि ये बच्चा भी मारिया के डिसीजन ही था। उसे तो बच्चा चाहिए ही नहीं था, उसके लिए इस बच्चे को पैदा करना बहुत ही जल्दबाजी था। ये सब सुनकर मारिया बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है। 50 साल की एज में उसे बच्चा मिला है और वो कितना लेट करती बच्चा पैदा करने के लिए। और बात रही बच्चे के नाम की, तो उसने अपने बच्चे का नाम कायटनो रखा है जो कि उसके ग्रैंडफादर का नाम है। तभी सेल्समैन नाम सुनकर उनसे कहता है कि उसका भी नाम कायटनो है और उसे भी ये नाम बुरा नहीं लगता है। तो एनीवेज, मारिया अभी भी जीसस को इस कॉफ़ी टेबल को लेने के लिए मना कर रही थी। घर में एक न्यूबॉर्न बेबी होगा तो वहाँ पर एक ग्लास की चीज़ रखना अच्छी बात नहीं थी और ये सेल्समैन भी झूठ बोल रहा है। उसी समय सेल्समैन ये कहता है कि हर चीज़ टूट सकती है, फ्लावर वास टूट सकता है, फर्नीचर टूट सकता है और शादी भी टूट सकती है, लेकिन इस कॉफ़ी टेबल का ग्लास अनब्रेकेबल है। ये सुनकर मारिया उन दोनों पर गुस्सा होती है और सेल्समैन को गाली देकर अपने बेबी को लेकर शॉप से बाहर चली आती है। मारिया के जाने के बाद में जीसस सेल्समैन से पूछता है कि अगर उसके पास में इस कॉफ़ी टेबल को खरीदने के लिए पैसे होते हैं तो क्या वो इसे खरीदता। तब सेल्समैन कहता है नहीं, लेकिन सेल्समैन के ना सुनने के बाद भी जीसस उस कॉफ़ी टेबल को खरीद लेता है। फिर अब अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग तक पहुंचने के बाद में वो अकेला ही स्टेयर से उस कॉफ़ी टेबल को घसीटते हुए अपने अपार्टमेंट में ले जाने लगता है। उसी समय स्टेयर पर मारिया और जीसस से उनकी नेबर वेसीना मिलती है और वो अपनी बेटी रूथ के साथ थी। वेसीना भी उनके बेबी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन रूथ का बिहेवियर उन्हें देखकर काफ़ी रूड था। तब भी वेसीना उन्हें बताती है कि रूथ अपने किसी बॉयफ्रेंड के लिए परेशान है और इसीलिए आजकल वो काफ़ी रूड बिहेव कर रही थी, लेकिन वो इस बारे में ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि इस उम्र में तो यह सब चलता रहता है। तभी रूथ उससे कहती है कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो उससे प्यार तो करता है मगर उससे कन्फेस नहीं करता है। मारिया और वेसीना रूथ की बातों को इग्नोर करती है और अपने घर के अंदर चली आती है, लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है तो रूथ जीसस से कहती है कि उसे उन दोनों के रिलेशन के बारे में अपनी वाइफ को बता देना चाहिए, नहीं तो वो खुद घर में आकर उसकी वाइफ को बोल देगी और अपने पेरेंट को भी बोल देगी कि उसने 13 साल की लड़की को उसके प्यार में फंसा कर उससे किस किया है। तब जीसस की बातों से हमें पता चलता है कि जीसस ने रूथ को कभी फंसा ही नहीं है, वो हमेशा उसे एक छोटी बच्ची की तरह सोचकर उससे बातें किया करता था। एक बार रूथ ने जीसस से कुछ रोमांटिक पोएम्स मांगी थी जो उसने उसे दे दी थी,
और उन रोमांटिक पोएम से रूथ तो सोचने लगी कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। ऊपर से एक दिन तो रूथ ने लिफ्ट में जीसस को ज़बरदस्ती किस भी किया और तभी से जीसस रूथ से दूर रहने लगा था। लेकिन रूथ अब जीसस को ब्लैकमेल करने लगी थी कि वो अपनी वाइफ मारियो को छोड़कर उससे शादी कर ले। रूथ जीसस को आज इवनिंग तक का टाइम देती है ताकि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे। जीसस उसे समझाता है कि वो सिर्फ 13 साल की है और कुछ साल के बाद में उससे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा और वे लोग दोस्त रह सकते हैं। रूथ फिर भी उससे यही कह रही थी कि उसे मारिया और बच्चे को छोड़कर उसके साथ में भाग जाना चाहिए। मारिया तो उसे सेक्सुअल खुश भी नहीं रख पाती है और वो उसे फिजिकली भी खुश रखेगी। जीसस ये समझ चुका था कि रूथ को समझाकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए वो अपने घर के अंदर चला आता है। कुछ देर के बाद में जीसस कॉफ़ी टेबल को असेंबल करने लगता है। तब भी जीसस और मारिया के बीच में बेबी के नाम को लेकर झगड़ा हो रहा था। जीसस को कैटोनो नाम किसी मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन जो भी हो इतनी मुश्किलों के बाद में मारिया को बच्चा मिला है तो बच्चे का नाम उसके हिसाब से ही रखा जाएगा। तभी जीसस नोटिस करता है कि कॉफ़ी टेबल का एक स्क्रू मिस है जिसकी वजह से कॉफ़ी टेबल हिल रही है। वो तुरंत उस सेल्समैन को कॉल करता है और उसे वो एक स्क्रू उसके घर तक लाने को कहता है। उसके बाद में जीसस कॉफ़ी टेबल के ग्लास को खड़ा करके वहीं पर रख देता है। अब इसके बाद में मारिया शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है, क्योंकि शाम को जीसस का भाई कार्लोस उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना खाने पर उनके घर पर आने वाले थे और अपनी बेबी को वो जीसस के भरोसे छोड़कर चली जाती है। मारिया के जाते ही बेबी रोने लगता है और बेबी को बहलाने के लिए जीसस उसे गाना सुनाता है, लेकिन बेबी फिर भी रो रहा था। तब जीसस बेबी को अपनी गोद में लेकर रूम में टहलने लगता है और उसके बाद में वो बेबी को अपना कॉफ़ी टेबल दिखाने उसके पास में ले जाता है कि तभी उसका पैर स्क्रू पर लगता है और वो फिसल जाता है और वो बेबी जीसस के हाथ से उस कॉफ़ी टेबल के ग्लास पर गिर जाता है और अचानक बेबी रोना बंद कर देता है। और फिर अब हम देखते हैं कि कॉफ़ी टेबल के ग्लास पर लगकर उनके बेबी का सर धड़ से अलग हो जाता है। जीसस यहाँ पर अपने बेबी के खून से लथपथ था और कॉफ़ी टेबल का ग्लास भी टूट चुका था। खून से लथपथ बेबी की बॉडी वहीं फ्लोर पर पड़ी थी और उसका सर पास के चेयर के अंदर था। ऐसा लग रहा था कि सेल्समैन की बात सच हुई कि कॉफ़ी टेबल को जैसा ट्रीट करोगे वैसे ही फल पाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं मारिया ने उस कॉफ़ी टेबल को बुरा भला कहा और उस कॉफ़ी टेबल ने उसे उसका बच्चा ही छीन लिया। ऊपर से कॉफ़ी टेबल में जो दो लेडी की मूर्तियाँ ग्लास को संभाल कर रखी थी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि रूथ और मारिया जीसस को संभाल रही है। एक तरफ से एक लेडी ने ज़्यादा प्रेशर बनाया तो जीसस से इतनी बड़ी गलती हो गई। अचानक हुए इस इंसिडेंट से जीसस पूरा हिल चुका था। कुछ देर तक उसे समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ है। पहली बार उसने बेबी को अपनी गोद में लिया था और पहली बार में उसकी जान चली गई। मारिया भी सही कह रही थी कि इस ग्लास के कॉफ़ी टेबल से उनके बच्चे को खतरा हो सकता था, और खतरा क्या, इतने दर्दनाक तरीके से उसकी जान ही चली गई। इधर मारिया जब अपनी शॉपिंग कर रही थी तो उसे वह अपने दोस्त अमीगा और उसकी बेटी दिखाई देती है जिसका नाम लीजा था। अमीगा मारिया के बच्चे को लेकर बहुत खुश थी क्योंकि मारिया को बहुत सालों से माँ बनना था और कई सालों के ट्रीटमेंट के बाद अब जाकर मारिया को ये बेबी मिला था। प्रेगनेंसी का समय भी मारिया के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी उसने हजारों दर्द झेल कर ये बच्चा पैदा किया। मारिया अमीगा को किसी और दिन उसके बेबी को देखने को बोलती है क्योंकि आज वो उसे अपने घर पर नहीं बुला सकती। आज तो उसका घर बहुत ही बिखरा हुआ था, लेकिन अमीगा के कहने पर मारिया जीसस को फ़ोन लगाती है क्योंकि अमीगा उनके बेबी के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो जीसस शॉक्ड में था, तो फ़ोन उठाता तो है लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तब मारिया अमीगा से कहती है कि जीसस बेबी के साथ में है तो इसलिए फ़ोन गलती से कट गया होगा। इधर जीसस देखता है कि कॉफ़ी टेबल के ग्लास का एक टुकड़ा उसके हाथ में भी घुस गया है। किसी तरह वो अपने हाथ से ग्लास के टुकड़े को निकालता है और फिर वो बेबी की बॉडी को सोफे पर रखकर उसका डायपर चेंज करता है। इस मोमेंट तक जीसस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कर रहा है। उसके बाद में फिर से उसे मारिया का कॉल आता है जो कि उसे उसकी फ्रेंड अमीगा का कॉल काटने के लिए बहुत बुरा भला सुना रही थी। यहाँ पर जीसस फिर से मारिया का कॉल कट कर देता है क्योंकि डर की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर इसके बाद में वो बेबी की बॉडी को उसके रूम में ले जाता है और वहाँ पर बेबी बेड पर बेबी की बॉडी को रख देता है। ये रूम मारिया ने बहुत ही प्यार से बनाया था, लेकिन उसका बेबी कभी भी इस रूम में जिंदा नहीं आ पाया और अब इस रूम में आई भी तो उसकी आधी कटी हुई बॉडी। फिर जीसस किसी तरह खुद को संभालता है और घर को साफ करने लगता है, लेकिन कारपेट से खून का दाग निकालने के लिए उसके पास भी कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट ही नहीं था।
और इसीलिए मजबूरन उसे डिटर्जेंट लेने के लिए रूथ के घर पर जाना पड़ता है। वो खून से लथपथ था तो इसीलिए वो उसके सामने ही बहाना बनाता है कि वो अपने रूम को रेड कलर कर रहा है और ये दाग उसी कलर के हैं। तब वेसिनिया रूथ को अंदर से डिटर्जेंट लाने को कहती है। रूथ के अंदर जाते ही वेसिनिया जीजस से फ्लर्ट करने लगती है। तभी रूथ डिटर्जेंट लाकर जीजस को देती है और उसे कहती है कि वो शाम को उसके घर पर आएगी। फिर जब जीजस अपने घर के अंदर जाने वाला था तभी वो सेल्समैन आखिरी स्क्रू लेकर वहां पर आता है। वो जीजस से माफी मांगता है अपनी गलती के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्समैन की बुरी नज़र जीजस पर थी और उसे लाइक करने लगा था। साथ ही वो जीजस को उसके साथ डिनर पर चलने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन जीजस बिना कुछ बोले घर के अंदर चला जाता है और डोर को लॉक कर लेता है। फिर अब मारिया 30 मिनट में घर पर आने वाली थी तो इसलिए जीजस जल्दी जल्दी काम पर लग जाता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कारपेट से खून का दाग निकल नहीं रहा था। ऊपर से उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चेयर के नीचे से बेबी का कटा हुआ सर निकाले, और इसीलिए वो सर को वहीं पर रहने देता है। फिर इसके बाद में वो नहाने जाता है और फिर अपने हाथ के जख्मों पर पट्टी बांधता है। तब तक मारिया भी घर पर पहुंच चुकी थी और वो डोरबेल बजा रही थी, लेकिन जीजस मारिया का सामना करने के लिए अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक पल के लिए वो बालकनी से कूद कर सुसाइड करने का भी सोचता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभालता है और डोर को ओपन करता है। इतना लेट डोर को खोलने के लिए मारिया उसे डांटती है। वो डर गई थी कि उसके बेबी को कहीं कुछ हो नहीं गया हो। अचानक से जीजस के मुंह से हमारा बेबी निकल भी गया था, लेकिन सही समय पर वो बात बदल कर कहता है कि हमारा बेबी सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करना, उसे सुलाने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मारिया भी बात मान लेती है और तभी जीजस बोलता है कि कॉफ़ी टेबल का ग्लास टूट चुका है और उसके हाथ में भी कट लग गया है, उसी के ब्लड का दाग कारपेट पर लगा हुआ है। कॉफ़ी टेबल का ग्लास टूटने की बात सुनकर मारिया को बहुत हंसी आती है और खाना बनाते टाइम भी बहुत हंसती रहती है। उसे तो इस बात पर हंसी आ रही थी कि सेल्समैन उन्हें बार बार अनब्रेकेबल ग्लास की बात कह रहा था और इधर कुछ ही घंटों में वो ग्लास टूट गया। मारिया को इस बात पर जितनी हंसी आ रही थी जीजस को उतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो ये सोच रहा था कि अभी जैसे मारिया हंस रही है कॉफ़ी टेबल की वजह से बच्चे की मौत पर वो उतना ही जोर से रोएगी। उसी समय मारिया बेबी को देखने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन वो बेबी की हालत देख पाती उससे पहले जीजस उसे रोक कर उसे आज के बिहेवियर के लिए उसे सॉरी कहता है। मारिया भी उसे माफ़ कर देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर मारिया किचन में चली जाती है और उसके कहने पर जीजस बेबी मोनिटर किचन में लगा रख देता है। कुछ देर के बाद मारिया को मोनिटर से पानी टपकने जैसा साउंड सुनाई देता है। मारिया तो बेबी रूम में जाकर चेक करने वाली थी, लेकिन जीजस उसे खाने पर ध्यान देने को कहता है। फिर वो खुद ही बेबी रूम में चेक करने जाता है। असल में बेबी की कटी हुई गर्दन से खून जमीन पर टपक रहा था और ये एसी का साउंड था। कुछ ही देर में जीजस टेंशन में आकर बहुत ही ड्रिंक करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मारिया को बेबी की मौत के बारे में कैसे बताए। तभी उसकी नज़र एक ढोल के कटे हुए सर पर पड़ती है जो कि उसके घर में पहले से ही थी। उससे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके घर का सामान पहले उसे सावधान कर रहा था, बस उसे ही यह समझ नहीं आया। अचानक उसे मॉनिटर से बेबी को रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मारिया को ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। उसी समय उनके घर पर जीजस का भाई कार्लोस और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना आती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कार्लोस एज में जीजस से बड़ा था और क्रिस्टीना सिर्फ 18 साल की थी। एनीवेज कार्लोस अपने नेफ्यू को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो तो सीधे बेबी के रूम में जाकर अपने नेफ्यू को गोद में लेना चाहता था, मगर जीजस उसे वहाँ पर जाने से रोकता है और पहले उनके साथ लिविंग रूम में बैठने को कहता है। सबसे पहले जीजस उस चेयर पर बैठ जाता है जहाँ पर उसके बेबी का कटा हुआ सर था, ताकि कोई उसे नहीं देख पाए। मारिया यहाँ पर भी कार्लोस और क्रिस्टीना को उनकी नई कॉफ़ी टेबल और उस अनब्रेकेबल ग्लास के बारे में बताकर हंस रही थी। अब वे दोनों तो इस बात से हैरान थे कि आखिर सिर्फ हाथ पर थोड़ा सा कट लगने की वजह से कारपेट पर इतना सारा खून कैसे गिर सकता है। फिर भी दोनों इस बात को इग्नोर करके बेबी के लिए लाया वो गिफ्ट मारियो को दिखाते हैं। उस गिफ्ट में एक स्वेटर और उनका एक हेड था। ऐसा लग रहा था कि बेबी के कटे हुए बॉडी के लिए वो स्वेटर और उसके कटे हुए सर के लिए वो हेड अलग अलग पार्ट में लाया गया हो। ये देखकर जीजस का दिमाग और ख़राब हो जाता है और इसीलिए अकेले में कार्लोस जीजस से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। यहाँ पर कार्लोस को रूथ के बारे में सब पता था, तो इसीलिए वो जीजस को एडवाइस देता है कि बात बिगड़ने से पहले वो खुद रूथ के पेरेंट को उसके बिहेवियर के बारे में बता दें। उसके बाद में कार्लोस अपने नेफ्यू को देखना चाहता था, पर जीजस उससे अलाउ नहीं करता है।
उसका कहना था कि बेबी अभी सो रहा है, उसे मत जगाओ। जीसस की जिद की वजह से वे लोग बस बेबी को रूम को देखने जाते हैं। यहाँ भी जीसस सब पर नजर रख रहा था ताकि कोई भी बेबी के पास में न जाए। कार्लोस और क्रिस्टीना को बेबी का रूम बहुत ही पसंद आया था और उस रूम के अंदर जीसस के चाइल्डहुड के खिलौने भी रखे गए थे, जिसे देखकर कार्लोस अपना और अपने भाई जीसस का चाइल्डहुड याद करने लगता है। बेबी रूम में उनकी एक फैमिली फ़ोटो थी जो कि उन्होंने हॉस्पिटल से निकालकर बिल्डिंग के सामने अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ मिली थी। उसके बाद में सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और यहाँ पर जीसस के अलावा सभी लोग खाना खा रहे थे। जीसस तो बस ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था। अचानक जीसस को ऐसा लगता है कि उसके खाने से ब्लड निकल रहा है और वही उसी को खा रहा है, जिस वजह से उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा है। लेकिन ये बस उसका एक हेलुसिनेशन था। रियलिटी में तो जीसस के अलावा सभी लोग खुश थे और खाना एंजॉय कर रहे थे। बातों ही बातों में कार्लोस मारिया से पूछता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। तब बिना कुछ सोचे समझे मारिया बोल देती है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका बेबी है और उसके बाद में जीसस है। लेकिन सेम सिनेरियो में जीसस का आंसर थी मारिया, वो उनके बेबी से भी प्यार करता है लेकिन मारिया उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही वो मारिया से कहता है कि उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, वो कॉफ़ी टेबल उसकी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन था। वो मारिया से माफ़ी मांगता है और उसे किस करता है, लेकिन अब तक वो मारिया को सच नहीं बता पाता है। अचानक जीसस को फिर से हेलुसिनेशन होता है। उसे ऐसा लगता है कि बेबी मोनिटर से उसी सेल्समैन की आवाज़ आ रही है जो उसे बता रहा है कि कॉफ़ी टेबल का ग्लास अनब्रेकेबल है। किसी तरह जीसस खुद को संभालता है और तभी उसका भाई कार्लोस उन्हें बताता है कि क्रिस्टीना प्रेग्नेंट है और दोनों जल्दी ही अपनी फैमिली को पूरा करने वाले हैं। इसे सुनकर मारिया भी बहुत खुश थी। अब उसके बेटे के साथ खेलने के लिए उसकी सिस्टर भी होगी। लेकिन उसके अपोजिट जीसस कार्लोस से गुस्सा था। उसके मुताबिक कार्लोस ने अपनी खुशी के लिए एक 18 साल की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इतनी छोटी उम्र से क्रिस्टीना बच्चे और घर में फंसी रह जाएगी। गुस्से में जीसस वहाँ से उठकर बाथरूम में चला जाता है और वहाँ पर वो मारिया के लिए एक रिकॉर्डिंग करता है। उस रिकॉर्डिंग में जीसस ने वो सारी बातें बताई थी जो उनके बेबी के साथ में हुआ था और इसके लिए वो मारिया से माफ़ी मांगता है। उसकी सारी बातें कार्लोस बाथरूम के बाहर से सुन लेता है और तब जीसस को उसे सारी बातें बताना पड़ती है। कार्लोस तो सोचा था कि आज वो अपने नेफ्यू के साथ में खेलेगा, उससे अपनी गोद मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो उसे अपने नेफ्यू का कटा हुआ बॉडी का पार्ट देखने को मिलता है। इस तरह अपने नेफ्यू को देखना कार्लोस के लिए मुश्किल हो रहा था, तो मारे के लिए कितना मुश्किल होगा क्योंकि वो उसकी माँ है। कार्लोस जीसस से बेबी के सर के बारे में पूछता है। जीसस से उसे पता चलता है कि बेबी का सर चेयर के नीचे है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेबी के सर को उठाकर लाए और इसलिए ये काम कार्लोस को ही करना होगा। कार्लोस के मुताबिक उन्हें इस बारे में शांति से मारे को समझाना होगा, लेकिन किसी भी कीमत पर वे लोग बेबी की बॉडी और उसका सर मारिया को नहीं दिखा सकते, नहीं तो मारिया पागल हो जाएगी। इतने सालों के बाद में इतनी मुश्किलें झेलकर मारिया ने बेबी को पैदा किया और अब अगर वो अपने बेबी को दो हिस्सों में कटा हुआ देखेगी तो मर जाएगी। यहाँ पर मरना तो जीसस चाहता था क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मारिया का सामना करे और इसीलिए वो रिकॉर्डिंग में कन्फेशन करने के बाद में खुद को मारने का सोच रहा था। कार्लोस उसे समझाता है कि वो नहीं मर सकता, उसे मारिया को संभालना होगा। इधर रूथ अपना डॉग को लेकर मारिया से मिलने आई थी और वो मारिया को बोलती है कि जीसस ने उसे किस किया था और रोमांटिक पोएम भी भेजी थी, दोनों अभी रिलेशन में भी हैं। उसी समय कार्लोस और जीसस रूम से बाहर आते हैं और तब मारिया जीसस से रूथ की इन बातों को लेकर एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन जीसस कुछ बोल पाता उससे पहले चेयर के नीचे पड़ा हुआ उसके बेबी का कटा हुआ सर रूथ के डॉग को नजर आ जाता है और भौंकने लगता है। कार्लोस उस बेबी के सर को छुपाने वाला था लेकिन वो डॉग उसके सर को पकड़कर चेयर से बाहर निकालता है। किसी तरह कार्लोस बेबी के सर को अपने हाथों से छुपाता है और मारिया को घर से बाहर जाने को बोलता है, लेकिन तब तक रूथ और क्रिस्टीना ने बेबी का कटा हुआ सर देख लिया था। क्रिस्टीना तो ये देखकर उल्टियाँ कर रही थी। मारिया भी समझ चुकी थी कि वो चीज़ क्या है, लेकिन फिर भी वो कार्लोस के ऊपर चिल्लाती है उसे दिखाने के लिए। मजबूरन कार्लोस बेबी का कटा हुआ सर मारिया के हाथ में देता है और अपने बेबी का कटा हुआ सर देखकर मारिया टूट जाती है। वो चिल्लाकर रोने लगती है क्योंकि इतने सालों से वो बस एक बेबी चाहती थी और जब उसे बेबी मिला तो वो भी इतनी बुरी तरह मारा गया। अब मारिया तो यही सोच रही थी कि जीसस को बच्चा नहीं चाहिए था, ऊपर से रूथ के साथ में उसका अफेयर था, तो इसलिए उसने कॉफ़ी टेबल के बहाने उसके बच्चे को इतना ब्रूटली मार दिया। अब मारिया के पास में जीने का कोई भी पर्पस नहीं था।
तो इसलिए वो अपने बेबी का कटा हुआ सर लेकर बालकनी से कूदकर अपनी जान ले लेती है। जीसस भी खुद को माफ नहीं कर पाता है और मारिया के पीछे वो भी बालकनी से कूदकर अपनी जान ले लेता है। सीन कट होता है और कुछ समय के बाद में पुलिस वहां पर आती है और उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। यहाँ पर पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस में क्या हुआ है। बच्चे का कटा हुआ सर माँ के हाथ में था जिसने बालकनी से कूदकर खुद की जान ले ली। उसके पिता ने भी ठीक इसी तरह खुद को मार लिया और बच्चे की बॉडी घर के अंदर बेड पर थी। और पता नहीं ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि रूथ, क्रिस्टीना और कार्लोस की दिमागी हालत भी खराब हो गई। ऊपर से कार्लोस बस एक ही चीज बोला जा रहा था, कॉफी टेबल, कॉफी टेबल। तभी मारिया और जीसस के स्पिरिट को लोगों के बीच में देख पाते हैं जो कि अपने बेबी और उस कॉफी टेबल के साथ में खड़े हुए थे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही सिंपल है जो कि कॉफी टेबल के ऊपर है। एक कपल को अपना पहला बच्चा होता है लेकिन कॉफी टेबल की वजह से वो बच्चा मारा जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे की मौत के दुख को बियर नहीं कर पाते हैं और वे दोनों भी अपनी जान ले लेते हैं। और उन्हें देखकर वहाँ पर मुझे लोग भी शॉक्ड थे। देखा जाए तो मूवी का नाम द कॉफी टेबल है और इस घर में जो भी इंसिडेंट हुए उस कॉफी टेबल की वजह से हुए। तो हम ये थ्योरी इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो जो कॉफी टेबल था वो एक कर्स्ड कॉफी टेबल था जिसे देखते ही दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा भी हो गया और उसके घर में आते ही इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि उनके न्यूबॉर्न बेबी और हस्बैंड वाइफ दोनों की जान चली गई। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अपने न्यूबॉर्न बेबी की मौत वो भी इस हालत में, किसी पेरेंट के दिल पर क्या बीतती होगी ये वही जान सकते हैं। देखा जाए तो ये बस एक मूवी थी लेकिन इससे भी कई ज़्यादा भयानक इंसिडेंट इस दुनिया में होते रहते हैं। और मैं भी ये चाहूँगा कि किसी भी माँ बाप से उनका बेटा नहीं छीना जाए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।